was an ओलंपिक गेम्स ऑफ मैनी फर्स्ट फॉर इंडिया भारत के लिए बहुत कुछ पहली बार हुआ है तो टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ है आज तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल इंडियन कंटिंजेंट एक लोगों का गया आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते तो सात ओलंपिक मेडल्स इस बार भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं यही नहीं एथलेटिक्स में 121 साल इंतजार करना पड़ा लेकिन इंतजार जब पूरा हुआ तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर उसको पूरा किया राष्ट्रगान टोक्यो में बज रहा था लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में ऊंचा हो रहा था नीरज जी आपने केवल मेडल नहीं जीता भारतीयों का दिल भी जीता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा के रूप में आप यहां पर आए हैं मनप्रीत जी मैं तो यही कहूंगा मैं तो बत्रा जी के साथ हॉकी में भी था इकतालीस साल इंतजार छोटा नहीं होता आपने और आपके साथी खिलाड़ियों ने भारत के लिए मेडल जीतकर देश के कोने कोने में जो जज्बा जुनून भरा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जोश और जीत की एक उम्मीद जो भरी है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता जे मनप्रीत सिंह का नाम लेता था रानी रामपाल का नाम भी लाने ही पड़ना है हमारे जहां एक और पुरुष खिलाड़ियों ने हॉकी टीम ने वहीं पर महिला खिलाड़ियों ने भी ना केवल पहली बार क्वालिफाई किया बल्कि सेमीफाइनल में पहुँच कर भी शानदार जो आप खेले मैं कहना चाहूँगा पूरे भारत को अपनी बेटियों पर गर्व है यही नहीं हम यही नहीं रुके ये तो पहली बार सब हुआ है अदिति अशोक ने जो किया गोल्फ में पहली बार वो भी चौथे स्पॉट पर जाकर खत्म करना बहुत क्लोज मैच किया ये भी पहली बार हुआ है भवानी देवी ने जो भवानी देवी ने जो फेंसिंग में किया है यह पहली बार हुआ है क्वालिफाई करना यही नहीं नेत्रा ने पहली बार किसी ने किया है हमारे सेलर के रूप में और यही नहीं एशियन रिकॉर्ड भी अगर ओलंपिक्स में किसी ने बनाया तो मेंस फोर इंटू फोर हंड्रेड मीटर ने हमारा हिस्ट्री इसमें क्रिएट किया एशियन रिकॉर्ड बनाया है बेस्ट एवर फिनिश फॉर इंडियन रोअर्स अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रोइंग लाइटवेट डबल्स कर्ल्स इवेंट में किया है हमारे नेशनल रिकॉर्ड स्टेपल चेस में अविनाश साबले ने किया है ऐसा मैं कहूँ तो जो बहुत कुछ है जो पहली बार हुआ है और ये पहली बार इसलिए हुआ कि आपने डेडिकेशन डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन में विश्वास किया पूरी दुनिया कोविड की लड़ाई लड़ रही थी आप भी लड़ रहे थे लेकिन जहाँ एक और सरकार इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एंड टू एंड आपको सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया दुनिया भर के अलग अलग देशों में सुविधाएं देने का प्रयास किया वहां पर आपने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और भारत को रिकॉर्ड मेडल जिताने का काम किया आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं वैसे नीरज जी चूरमा और गोलगप्पे तो हम आपको भी खिला नहीं पाए सिंधु को आइसक्रीम नहीं खिला पाए अब प्रधानमंत्री जी जिस दिन बुलाएंगे तो सबको खिलाएंगे और जिस देश के प्रधानमंत्री आपके जाने से पहले एथलीट से बात करें हमसे पूछें किसकी ट्रेनिंग कहाँ पर चल रही कैसे चल रही है परिवार के लोगों का मनोबल गिरा तो नहीं है किसी को कोविड तो नहीं हुआ वैक्सीनेशन हुई कि नहीं हुई और अगर हमारी टीम कोई हार भी गई तो अगले इवेंट के बीच में बात करके मनोबल बढ़ाने का काम भी जिस देश का प्रधानमंत्री करता हो उसका नौजवान पीछे रुकने वाला नहीं और खेल मंत्री के रूप में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं तो स्वयं खिलाड़ी रहा हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि खेलों में आपको किसी तरह की कमी मेरे भाई किरण रिजू जी ने पहले नहीं रहने दी मोदी जी के नेतृत्व में पहले ये खेल मंत्री थे अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है मैं तो 25 साल की उम्र से अब तक 21 साल तक स्पोर्ट्स में अलग अलग फेडरेशन एसोसिएशन में रहा बी का अध्यक्ष भी रहा इतना ही कहूँगा आपने इस बार साथ लिए हैं तो अगली बार के लिए देश के बहुत देश के हर कोने में उत्तर से लेके दक्षिण तक पूर्व से लेकर पश्चिम तक लोगों के दिलों में आज जागी है असम की बेटी लवलीना हमारे बीच में बैठी है हमारे बीच में रवि दहिया, बजरंग पुनिया बैठे हैं क्या आपको नहीं लगता कि इनको देखकर लाखों नहीं करोड़ों लोग खेल मैदान पर उतरेंगे और जब आज का युवा उतरेगा तो मेडल जीतने की आस के साथ उतरेगा और 24 और 28 की ओलंपिक में हम इस रिकॉर्ड को तोड़कर भी ज्यादा मेडल जीतने का काम करेंगे आपने आज के हिंदुस्तान के युवाओं के बीच में एक नई एस्पिरेशन खड़ी की आशाएं आकांक्षाओं को बढ़ाने का आपने काम किया है और ये नया भारत जो है वो बहुत अलग सोचता है इस न्यू इंडिया के लिए आप न्यू हीरोज हैं आज का कार्यक्रम हमने मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में करना था लेकिन बारिश के कारण मौसम ऐसा था नहीं कर पाए मेजर ध्यानचंद जी के बाद मनप्रीत जी आपकी और आपकी टीम ने एक नई आज खड़ी की है हमारे ओलंपियंस ने यहाँ पर खड़े होके बहुत कुछ किया हम आज इनको सुनना चाहते हैं मुझे ज्यादा नहीं कहना मैं इतना ही कहूंगा सरकार की ओर से कोई कमी नहीं आएगी और जितनी फेडरेशन यहां पर बैठी हैं आदिल जी को भी मैं देख पा रहा हूं भत्रा जी को देख पा रहा हूं और बाकी भी हैं आपको ना हमने पहले कोई कमी छोड़ी ना आपने कोई कसर छोड़ी आगे भी नहीं छोड़ेंगे इतना ही कहूंगा सब इकट्ठे मिलकर करेंगे तो भारत नए रिकॉर्ड बनाता जाएगा बहुत फर्स्ट हुए हैं बहुत पहली बार बहुत कुछ हुआ है लेकिन जब एक बार शुरुआत होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत Thank you uh, for those encouraging words. Uh